आहो रंगा राव जी, इस महीने के 15 तारीख को एकादशी है, शुभ मुहूर्त है। लेकिन पंडित जी। अंकल। हाँ। ये किसका मुहूर्त निकल रहा है? तुम्हारी शादी का बेटी। हमारी शादी का मतलब? तुम्हारी और विशाल बाबू की शादी। विशाल और मेरी शादी का? हाँ हाँ बेटी, शादी के कार्ड लिखवाने के लिए मैंने पंडित जी को यहाँ बुलाया है, लेकिन इस शादी का निर्णय आज नहीं हुआ। ये तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मैंने फैसला किया। लेकिन मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया गया और कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे यह शादी नहीं मंजूर। भारती। पापा, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भले ही एक माँ की औलाद नहीं है, भारती और मैं भाई बहन की तरह पले हैं। तुम्हारे एक कहने से क्या होगा? मैं ही नहीं, भारती भी यही कहेगी। मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। भारती, ये शादी हो के रहेगी। ये बात है तो शादी के मंडप में विशाल मुझे नहीं बल्कि मेरी लाश को मंगलसूत्र पहनाएगा। बाबूजी, चूड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती है, बेटी की पसंद से ही उसकी शादी करवा दीजिए ना। पापा, उसे क्यों मार रहे हो? उसने ठीक कहा। क्या खा ठीक कहा? वो जिससे शादी करेगी इसकी सारी जायदाद उसी के नाम होगी, ऐसा वसीयत में लिख करके मरा है उसका बाप। मैंने अपनी बहन की लड़की समझ करके उसे इतने दिनों तक पाल पोस के बड़ा नहीं किया, इस जायदाद की वारिस समझ कर पाला है। बेटे की पढ़ाई की खातिर खुद को कुर्बान करने वाले बाप देखे हैं मैंने, और आपने जायदाद की खातिर अपने ही बेटे का भविष्य दांव पर लगा दिया। छी छी। पंडित जी। हाँ जी। तुम इन लोगों की बातों को छोड़ो, कोई और मुहूर्त निकालो। ये शादी कैसे नहीं हो सकती मैं देखता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तू है, बोल क्या है? अनर्थ हो गया है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे होना क्या है बाबूजी, सब कुछ तो हो चुका है। बात क्या है, सही से बोल। अरे भारती बिटिया शादी करने जा रही है। मेरे बारे में जानकर भी उसके गले में मंगलसूत्र बांधने वाला ऐसा कौन सा मर्द है? क्यों ऐसे डरपोक की तरह भाग रहे हो? हमारा जिंदा रहना पसंद नहीं? हा? तुम जिंदा रहो तो हम फिर मिलेंगे। ऐसा करके आपने अपनी इज्जत गिरा दी। एक करोड़पति बनने वाले को उसने भिखारी बना दिया। ए जीवा, मैं तुझसे अपना बदला लेके रहूंगा। क्या फिगर है, क्या नशीली अदा है तेरी, मानो शराब बरस रही हो। कौन हो तुम? मैं? मुझे तुम नहीं जानती। ओ शिट, इस शहर में मुझे नहीं जानने वाला कोई नहीं है। पीपी। पीपी मतलब? मतलब फोटोग्राफर पुरुषोत्तम, जहाँ खूबसूरती झलकती है वहाँ
मेरे कैमरे की क्लिक खनकती है। ए मिस्टर, तुम्हारे कैमरे से अपनी फोटो खींचो, लेकिन मेरी परमिशन के बगैर मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हो? प्राकृतिक सुंदरता की फोटो खींचने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती बेबी। लेकिन आपको इस हालत में देखकर क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे मानो कोयले की खान से हीरा निकला हो। ए, मेरी फोटो मुझे दे दो। ये फिल्म रोल तुम्हें देने के लिए नहीं है, इसे डेवलप करके लाइफ साइज फोटो प्रिंट करके मेरे बेडरूम में मेरी आंखों के सामने। अरे आगे क्या बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। नहीं नहीं, आगे नहीं बताऊंगा, फिर मिलेंगे। बाय बेबी। हेलो, देख रहे हो? देख रहा हूँ, मेकअप ठीक से कर रही हो ना, या तुम्हारी हेल्प करूं? बैरागी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। क्या बात है गुरु, वहाँ क्या कर रहे हो? वो सब ठीक ठाक है कि नहीं चेक कर रहा था। क्या बोला? हाँ, वो स्टूडियो के सामान सब देख रहा था, चेक कर रहा था। पहले स्लाइड को ठीक से सेट कर। ओके ओके बॉस। हाँ, कम सिट डाउन, थोड़ा सा इधर, थोड़ा राइट राइट राइट। ओके, पैर पर पैर रखो, थोड़ा सा ऐसे। ओके राइट, स्माइल स्माइल स्माइल, थोड़ा इधर। ओके, ए तू खड़ा क्या है, इसको बताना। थोड़ा इधर देखिए, इधर इधर। हाँ ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड, बहुत अच्छे। या बहुत बढ़िया, कैश बढ़िया राज जैसी लगती है गुरु। ओके ओके, गेट अप, यू चेंज योर क्लॉथ। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? हाँ, वही हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चलो। अब आप जल्दी आ जाइए। आप अपने फोटोज कल आकर ले सकती हैं। ओके थैंक यू सर, कम टुमारो। हेलो हेलो ऑफिसर, कैसे हो? क्यों पहचाना नहीं? मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। आज 5 तारीख है, आपने आखिरी पेमेंट 2 लाख आज देने का वादा किया था ना? अरे बाप रे बाप, पेमेंट दे दें तो एक फोटो के 2 लाख रुपए? हाँ सर प्लीज। वाह गुरुजी वाह, ब्लैकमेल कैसे किया जाता है मुझे भी सिखा दो ना, 10% मैं आपको भी दे दूंगा। तुम किसे ब्लैकमेल करोगे? उन सबको गुरुजी, ब्रांडी उधार नहीं दिया तो ब्रांडी छाप वाले को, सिगरेट नहीं दिया तो 5 छाप वाले को। मतलब ब्रांडी शॉप और 500 वाले को ब्लैकमेल करोगे? हाँ गुरुजी। अरे चुप, अब क्यों मार रहे हो गुरुजी? छोरे सुन, ब्लैकमेल करना बहुत बड़ा खेल है, करना है तो मेरी तरह किसी बड़े आदमी को ब्लैकमेल करके बड़ा आदमी बन जा, तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बड़ा आदमी गुरुजी, बड़े आदमी का नाम बताओ ना, मैं भी ट्राई करूंगा। यानी वीरप्पन, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन। यहाँ पुरुषोत्तम कौन है? मैं हूँ। देखने में हीरो जैसा लगता है, काम टबूर जैसा करता है। अरे मैंने क्या किया? मैंने क्या किया जो मुझे मार रहे हो? मैंने किसी का मर्डर किया है या फिर रेप किया है? रोड पर जाती हुई लड़कियों के फोटोज खींचता है। ओहो, मैटर उस काली साड़ी वाली का लगता है। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? असल बात बता देता। असल सीक्रेट क्या है आप नहीं जानते, आप जैसे सोच रहे हो वो लड़की ऐसी नहीं है। ओहो, मतलब तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? उस लड़की को कौन नहीं जानता है सर जी, उसका बायोडाटा सब जानता हूँ। बहुत बड़ी खिलाड़ी है, कल रोड पर मेरे साथ उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की थी, और आज आपके पास आकर मेरे ऊपर ही केस ठोक डाला। छोड़िए सर जी उसकी बातों को, और मुझे भी छोड़ दीजिए, मैं जाता हूँ। क्यों रे, लड़की को खूब जानता है, उसका बायोडाटा भी जानता है, और तूने क्या कहा? वो बहुत बड़ी और क्या कहा, रोड पर तन्हा लड़की को देखकर नहीं रुकता तुम लोगों का जोश। हेलो, हमारे इन्फ्लुएंस के बारे में आप नहीं जानती, जान जाओगी ना
तो आपके फोटोज तो क्या, आपकी फैमिली के भी फोटोज खींच डालूं? अच्छा, जिंदगी में फिर कभी किसी की फोटो लेने लायक ना रहे ऐसा इसका हाल कर दो। इसको बचाने के लिए कौन आता है देखती हूँ। क्यों रे, लड़कियों को छेड़ने वाला टपोरी कौन है वो? बजा दूंगा उसका बाजा। हमारे इलाके में छेड़छाड़ नहीं, नो। सर, आफ्टर ऑल ये एक पेटी केस है, इसके लिए आप यहाँ? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ के लिए नहीं हो, आज छोटी मोटी छेड़छाड़ है, कल रेप भी हो सकता है। 203। अरे रे 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 रे, इतनी छोटी छेड़छाड़ के लिए इतना बड़ा टॉर्चर? सर, इसके पहले तो आप कुछ और ही कह रहे थे। मेरी बात सुनो, तुम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जानती हो ये कौन है? द ग्रेट पीपी। सर, मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो ली है सर। तुम्हारी तो साड़ी में फोटो ली है, तुम्हारे एसीपी साहब की ड्रायर निकालते हुए ली है। हाँ हाँ, वही वही, टेबल ड्रायर। फ्लैशबैक में मत जाओ, मेरी इज्जत जाएगी। इनकी फोटो उनको लौटा दो भाई, लेडी ऑफिसर है ना। यू, अब क्या हो गया, तुम भी कमाल कर। देखिए सर, आप सीनियर ऑफिसर हैं, आपके सामने इनका बर्ताव। आपकी फिल्म आपको लौटा दी ना, अब छोड़ो भी इसे। चलिए सर, चलते हैं, चलिए, आई आई। इसका एसीपी के साथ इतना लगाव क्यों है, इसके ऊपर नजर रखनी होगी। हाय अंकल। रोज तो सर सर कहता था, आज अंकल कह रहा है। क्या बाबूजी इतना लेट? मैं क्या करूं, फिर वही ट्रैफिक जाम। आप अंदर तो आइए, पीवी जी आपका जाम बना देगी। वो सब तो मैं देख लूंगा, ये लो तुम्हारा कोटा, लेकिन हमें डिस्टर्ब मत करना, ओके? बेबी, पिज्जा तो ठीक है ना? बहुत मजेदार है। ये क्या, ऊपर से आने वाली इतनी अच्छी आवाज, नीचे से इतनी भद्दी कैसे आ रही है? देखता हूँ। अरे वो काली मोटी कहीं की, ए, मेरे घर में जब काम करने आई थी तब ऐश्वर्या राय जैसी लगती थी, अब टुनटुन जैसी हो गई है, इसका कारण ये है, हाँ? अच्छा अच्छा, तो बिटिया का लाया वो पिज्जा तू खा रही है, तो बिटिया क्या खा रही है? बापरे, दाल में जरूर कुछ काला है। उसने जब मुझे अंकल कहकर बुलाया तभी मुझे डाउट हुआ, देखता हूँ। तुम कुछ मत कहो। सारा सीन मेरी समझ में आ गया है। ये बात नहीं सर। तुम्हारा नाम? विशाल। कहाँ तक पढ़े हो? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी नौकरी की तलाश करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर किसी भी तरह का काम करने वाले तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सर। लेकिन सच तो यह है कि मैं ये काम नहीं करता, शांति से मिलने के लिए ही ये काम किया। गुड, तुमने बेहिचक सच्चाई कबूल की है, इसलिए तुम मुझे और भी अच्छे लगे। अंकल, अब मैं अपनी बेटी के बारे में क्या बताऊं, बचपन से उसने हर चीज अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट किया है। अपने लाइफ पार्टनर के सिलेक्शन के विषय में गलती करेगी मैं नहीं समझता। थैंक यू डैडी। नो बेबी नो, तुम मुझे थैंक्स मत बोलो। तुम दोनों प्यार के चक्कर में किसी नेकलेस रोड या पार्कों में घूमते हुए अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं किया है, बल्कि घर पर ही अपना प्यार बढ़ाया है, इसलिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए। देखो विशाल, किसी दिन अपने माँ बाप को लेकर आओ, मुहूर्त निकालते हैं। अनवर साहब, इस वक्त हमारा इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल है, मेयर बनने का आशा छोड़ देते हैं। मैं ही जीतूंगा, इस बार मेयर की सीट पर बैठने वाला सिर्फ मैं हूँ। कैसे जीतेंगे अनवर भाई? इसका हथियार जय श्री राम। मेरा हथियार जिहाद है, मैं इस मजहबी जंग से अपने पद को हासिल करके ही रहूंगा। इससे पहले मैं अवाम में जीवा की इमेज को खराब कर दूंगा, जिंदगी में वो फिर कभी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कैसे करोगे भाई? वक्त बताएगा। खुदा हाफिज।
रात को कहाँ गए तेरे? खास कहीं नहीं भाई। हाँ भूल गए भाई, वो अनवर भाई के आदमी वहाँ सेंटर पर मिले थे, मुझे वहाँ देखकर वो डर गए भाई। वो इलेक्शन जीतने के लिए अनवर भाई तो बहुत कोशिश कर ले रहे भाई। ये उसके बस की बात नहीं है। वो बहुत चालू है भाई, चोरी से दारू बेच रहा है, पैसे भी बहुत दे रहे हैं और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे ले भाई। उसका जीतने का चांस ही नहीं भाई, जनता तो हमारे पीछे ही है। उसका तो क्रिमिनल ब्रेन है, हार जाने के डर से वो बीवी बच्चे को मार गए, सिंपति वोट खींचने के चक्कर में है। सिंपति वोट बोलेगा तो क्या है भाई, सहानुभूति वोट रे। इंदिरा गांधी के मरने के बाद इस सहानुभूति वोट से ही राजीव गांधी जीते थे, राजीव गांधी के मरने के बाद इस सहानुभूति वोट से ही पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे। जिस तरह बीमारी में होम्योपैथी एलोपैथी काम करती है, इसी तरह इलेक्शन में हारने के मोमेंट पे सिंपति वोट का बड़ा वर्क। सुनिए जी, आ रहा हूं। क्या बात है जी? क्यों जी, हर वक्त देश की फिक्र करते हो, कभी घर की भी फिक्र कर लिया करो। अब क्या हुआ, हम खुश रहे यही कामना करो। आखिर बात क्या है आज? आज आज मेरा जन्मदिन है। ओ, भूल गया था भारती, सॉरी। और कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन ही नहीं बल्कि मुझे भी भूल जाओगे। पहले मुझे एक वचन दीजिए। क्या वचन दो? मैं सौभाग्य रहूं। तुम औरतें जितनी स्वार्थी होती उतनी त्यागी भी होती हो। सौभाग्यवती रहने की मनोकामना करने वाली और मंगलसूत्र बांधने वाले अपने पति को अपनी उम्र भी देने की कामना करने में तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग है। यू आर रियली ग्रेट। जय श्री राम। मतदाता महाशयो, आने वाले इलेक्शन में आप सभी के अमूल्य वोट अपना देश पार्टी के नेता जीवाजी को देकर अधिक से अधिक वोटों से जिताने की हमारी आपसे प्रार्थना है। वोट फॉर अपना देश, वोट फॉर अपना देश। ठीक हो माता जी, बेटा इस बार भी अपना वोट अपना देश को ही देना। तुमको ही देंगे बेटा। ठीक है माता जी, चलता हूँ। क्या है? प्रजाजनों, इसको वोट देकर अगर जिताओगे तो तुम्हारे माथे पर राख लगाकर बंगले पे बंगला बनाकर तुम्हारा सब कुछ छीन करके ये तुम्हारे मुंह के ऊपर मिट्टी डाल देगा। ये धोखेबाज है, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो। ए, हमारे नायक को ऐसा बोलेगा तेरी तो। नरेश रुक जाओ। इलेक्शन के वक्त किसी पर हमला करना कितना गलत है, तुम्हें कितनी बार समझाया? हाँ हाँ, जानबूझकर हमारे नायक पर हमला कराया और बड़ा नाटक कर रहे हो। क्या कहा, नाटक कर रहा हूँ? सुनो, ये नाटक मुझे नहीं किसी और को दिखाना। ए! मेरे पिता पर किसी ने हाथ डाला, काट डालूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवा, मेरी भांजी की जायदाद को हड़प करके तूने मुझे रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है, मेरी जिंदगी हंसने लायक बना दिया तूने। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, एक एक बात का बदला लूंगा। मेरे बेटे का जूठन खाने वाले अगर तुझे इतना घमंड हो सकता है तो मुझे कितना होगा। मैं तेरा अंत देखूंगा। जय श्री राम। चलो चले। तुमने क्या मांगा? हम दोनों की शादी जल्दी हो जाए यही मांगा। भगवान से क्यों मांगते हो, जाकर तुम्हारे पिताजी से मांगो ना। मतलब वो नहीं माने तो मैं शादी नहीं करूंगा। हेलो, शादी के लिए पापा की परमिशन जरूरी है। तो मुझसे प्यार क्यों किया? प्यार किया तो उनकी मर्जी के बगैर हम शादी कर लेंगे क्या? करना होगा जरूर। तुमको एक बात बताता हूँ, दुनिया में सभी माँ बाप एक ही टाइप के होते हैं, उनका बेटा बड़ा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने ये सब चाहते हैं, मगर बड़ा प्रेमी बने ये कोई नहीं चाहता। न जाने कब सुधरेंगे ये लोग। तुम्हारी जैसी मर्जी। ए, तुम्हें माँ बनने की
इतनी जल्दी है? हटो। अच्छा शर्मा गई, वो सब तो ठीक है, भारती ने तुम्हें और मुझे अपने घर बुलाया है, चलोगी? तुम्हारे और जीवा के बीच झगड़ा हुआ? हाँ, लेकिन इसमें मेरी ही गलती थी, भारती ने सब कुछ बता दिया है, बाकी बातें रास्ते में करेंगे, चलो। प्रसिद्ध वर्तमान अभिनेत्री अनुषा ने की आत्महत्या। ये आत्महत्या नहीं हत्या है, ऐसा उनकी माँ का अनुमान है। आज की ताजा खबर। इंसान को जिंदा रखने वाला प्रेम है माँ, ये बात वो हमेशा कहती थी, अब इस प्रेम ने उसकी जान ले ली। ब्यूटी पार्लर को जाकर आती हूँ कहकर गई थी, लेकिन किस तरह वापस आएगी ये मैं नहीं जानती थी। मेरी बेटी के सुनहरे भविष्य का सर्वनाश हो गया, सर्वनाश कर दिया। IAS ऑफिसर जय कृष्ण के बेटे ने मेरी बेटी से प्रेम का नाटक करके, शादी का बहाना करके उसे धोखा दिया है। शादी की बात करने के बहाने से बुलाकर उसके फ्रेंड्स मिनिस्टर राजेंद्र के बेटे को और बिंडर वाला शेट्टी के बेटे को बुलाकर तीनों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से उसका बलात्कार किया है। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर, जबरदस्ती उसे पिलाकर उसने आत्महत्या कर लिया, ये साबित करना चाहते है वो लोग। इसके लिए इस हॉस्पिटल के डॉक्टर को उसकाया जा रहा है। ये मेरी बेटी आत्महत्या नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये हत्या है, मेरी बेटी की हत्या है, मेरी बेटी की हत्या है। मैंने जब देखा था तब तो वो ठीक थी। उनके साथ बात की? मैं जिस वक्त अंदर गई थी, मेरी बेटी हंसते हुए हाथ उठाकर मैं ठीक हूँ माँ ये इशारा कर रही थी। इतने में डॉक्टर ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया। 10 मिनट के बाद बाहर आकर मेरी बेटी मर गई ये बताया उन्होंने। मतलब जानबूझकर हमने खत्म किया है? नहीं तो मेरी बेटी कैसे मर सकती है? डॉक्टर हैं। पैसे वालों के तलवे चाटने वाले तुम लोग डाकू हो सकते हैं, डॉक्टर नहीं। जीवन देने वाला डॉक्टर हो सकता है, तुम्हारी तरह जान देने वाला नहीं। पेट चीरने वाले तुम लोगों को मुझ जैसी माँ के कोख का दर्द क्या क्या एहसास होगा। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जिस्म में जब तक जान है मेरी बेटी को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक बेटी को खोने का तुम्हारा ये दर्द पुलिस ऑफिसर बनकर ना सही एक औरत के नाते महसूस कर सकती हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए इनकार करना गलत है माँ जी। तो फिर वो अभी इसी वक्त सबके सामने करने को कहो। ये कैसे हो सकता है? नहीं तो ये डॉक्टर्स इसके सारे सबूत खत्म कर देंगे बेटी। अगर चाहती हो तो देखो देखो देखो, मेरी बेटी जो घर से ड्रेस बनकर निकली थी वो नहीं है, बदल दिया गया है। ड्रेस बदलने की तरह केस भी बदल देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे। इस हॉस्पिटल पर डॉक्टर्स पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो सबको मालूम होने तक, मेरे साथ न्याय होने तक मेरी बेटी की लाश को यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। उन तीनों हरामजादों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाने तक मेरी बेटी को यहाँ से उठने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इस केस को मैं खुद देखूंगी, आपकी बेटी के साथ अन्याय करने वालों को सबक सिखाऊंगी माँ जी। कोई और माँ की आंखों से आंसू न बहे इसीलिए ये केस मैं देखूंगी, मैं खुद देखूंगी।